मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ी। मैं यहाँ पे बचपन से ही शिकारा चला रहा हूँ गेट नंबर 18 पे। कल से ये यहाँ पे इतना मसला हो बन गया है, जो 13 नंबर जो टंग बाग उसको कहते हैं हम लोग कश्मीर में, वो फेमस है इसी नाम से। लगभग 8 नंबर पे है वो। इन्होंने क्या किया, वहाँ से मज़दा गाड़ियों को यहाँ ला के खड़ा कर दिया और टेम्पो टावर जो है उनको यहाँ पर पार्किंग में खड़ा कर दिया। चलो हमने उसको बताया अगर 20 गाड़ियाँ आपने यहाँ खड़ा रखी मज़दा जो गाड़ियाँ है और 20 लगभग रखे टेम्पो ट्रावर, उनसे सारी पार्क जो है ना वो बंद हो गई, जो पहले ये मसला नहीं हुआ करता था। तब से क्या हो गया, हमारा काम ही नहीं है। देखो सारे शिकारे बैठे हुए हैं। मुश्किलें आ रही है, जो भी टूरिस्ट आ रहा है ये लोग क्या करते हैं उनको मंदिर के लिए यहाँ से बिठाते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से फिर सीधा उनको वहीं से छोड़ते हैं 13 नंबर। उसमें हमारे अपने गाइड आते हैं जो हमने 40-50 साल में यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग जो ने जिन्होंने इनको बनाया हुआ है, होटलों से डायरेक्ट आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं हमारे पास बहुत, बंगाल से लोग आते हैं बहुत हमारे। हम चाहते हैं इन लोगों को वापस वहाँ शिफ्ट करें, जो टंगबाग का स्टैंड है वहीं पर शिफ्ट करें। जिसको टूर मंदिर के लिए जाना होगा वो ऑटो में भी जाता था आराम से, वो अपनी गाड़ियाँ जो बाहर से थी वो भी जाते थे। दूसरा मसला हो गया, जो हम कश्मीरी लोग यहाँ पे आते थे घूमने के लिए शिकारों में, यहाँ के लोग भी शौकीन है शिकार में, जब उनको यहाँ पार्किंग नहीं तो वो कहाँ जाएंगे, उससे हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई मंदिर के लिए, उससे हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमें मंदिर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो है गाड़ियाँ रखी है, कल उन्होंने बताया 10, आज 20 गाड़ियाँ, हमने ये पार्किंग के लिए बहुत जदोजहद की, तो हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि ये पार्किंग बनाए कि जो हम भी अपना रोज़गारी बनाएं। तो जब पार्किंग खड़ी हुई तब तक कोई नहीं आया, अब 10-15 दिन या दो महीने से ये पार्किंग स्टार्ट हुई, तो एक हफ्ते से इसको मैगडम डाला। मैगडम के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 20 गाड़ियां यहां रखी, तो उससे क्या होता है, यहाँ एक तो यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम की वजह से जो हमारे पर्सनल कस्टमर होते हैं वो भी नहीं आते। तो क्या होता है कि जो मंदिर में गाड़ी होती है वो ये करते हैं कि ये यहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं, हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको मंदिर से फिर उनको नीचे यहाँ नहीं छोड़ते, पता नहीं 13-14-12 पे उनको छोड़ते। तो हम जब सवेरे 6 बजे निकलते हैं कस्टमरों को इधर लाने के लिए, जब हमारे कस्टमर यहाँ आते हैं, सवेरे भी 50 का ग्रुप आया था, उन्होंने क्या बताया कि नहीं पहले आप गाड़ी को इधर छोड़ो, उनको बताया कि आप मंदिर चलो, मंदिर के बाद शिकारा। तो हम सवेरे से अभी तक ढूंढ रहे हैं कि हमारे कस्टमर नहीं आए। हम बाद में क्या देखते हैं, जो हमारे कस्टमर है वो शिकारे में घूम रहे, उन्होंने 12-13 नंबर पे उनको छोड़ा। हम चाहते हैं कि जब यहाँ मंदिरों पे बड़े दिन होते हैं, उत्सव होते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, गवर्नमेंट करता है कि उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं ऊपर जाने के लिए, उस टाइम गवर्नमेंट करता है कि अपने सर्विस चालू करते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा ही करना है, एसएसटी ट्रैफिक को यही करना है, तो ये गाड़ियाँ आप शंकराचार्य रोड पर रखो, जो भी टूरिस्ट आता है लोकल आता है वो गाड़ी यहाँ रखे। देखिए बड़ी गाड़ी 4 गाड़ी का जो स्पेस कवर करता है, अगर छोटी गाड़ी हो तो छोटी छोटी गाड़ियाँ कितने लगेगी। तो यहाँ से कस्टमर बाई वॉक वहाँ जा सकता है, वहाँ से वो गाड़ी में पिकअप कर सकते हैं, ऊपर से वो वहाँ छोड़ सकते हैं, तो कस्टमर यहाँ आएगा। लेकिन उसके बरक्स क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने अड्डा बनाया, यहाँ पर कस्टमर को डालते हैं, फिर ऊपर लेके ऊपर से फिर दूसरी जगह जाते हैं। ये देखिए हमारे 250 जो चूल्हे हैं वो सब खराब हो गए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये लोग भीख मांगने पे आ गए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते।